से ज्यादा काम करने की कोशिश करिए, नहीं तो फिर काम पेंडिंग एक बार हो जाए फिर वो पेंडिंग चला रहता है, पेंडिंग ही पड़ा रहता है। राइट बेटे? सो विद दिस ऑल, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस बिटे स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, दैट इज अवर बेटा ग्रेविटेशन। सो लेट अस हैव ग्रेविटेशन, नया चैप्टर है हमारा। इस चैप्टर के बिल्कुल बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में दो बड़े ही इंपॉर्टेंट छोटे छोटे कंसेप्ट आते हैं, ग्रेविटेशन क्या है और ग्रेविटी क्या है। इन दोनों के बीच में क्लियर कट हमें डिस्टिंक्शन होना, पता होना बहुत जरूरी है। देन व्हाट डू वी मीन बाई ग्रेविटेशन एंड व्हाट डू वी मीन बाई ग्रेविटी, ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, पहले समझिएगा इनका मीनिंग क्या है बेटा। ग्रेविटेशन के रिगार्डिंग बेटे, हमारे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स अगर प्रेजेंट हैं, यूनिवर्स में कहीं पे भी जो है ये प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट्स, एक बच्चे ने हैंड रेज किया है, यू आर अनम्यूटेड बेटा, आप बोल सकते हो। तो किसी भी प्लेस पे अगर दो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं यूनिवर्स में, गुड गुड मॉर्निंग बोलिए जी। सर, हमारे जो ग्रुप का मेन पॉइंट था उसमें आपने इंद्रजीत मैम का जो मीटिंग आईडी डाला हुआ है, आई वांट टू आस्क कि 9th क्लास की है ना? ओके, हाँ जी, 9th ही है जी, सो थैंक यू। 9th ही है बेटे, 9th ही है। प्लीज प्लीज बेटा ध्यान दो, ग्रेविटेशन चैप्टर के रिगार्डिंग बेटे हमें ये चीजों का पता होना बहुत जरूरी है कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी जो है, इन दोनों का बेटे मतलब क्या है, दोनों में फर्क क्या है। ग्रेविटेशन के रिगार्डिंग जैसे हम अभी अभी बात करना स्टार्ट कर रहे थे कि यूनिवर्स है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है यूनिवर्स का। यूनिवर्स पे आप किसी भी एंड पे दो ऑब्जेक्ट्स ले लो, एक इधर वाले पे एक उधर वाले पे ले लो, दे विल बी इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस अपार्ट बेटा। तो क्या होगा कि दोनों के बीच में एक, चाहे वीक हो, एक अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करेगा। वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है बेटा, वीक अट्रैक्टिव फोर्स है, वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। और ये जो कंसेप्ट है बेटा, ये कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते रहते हैं, दैट वी कॉल एज बेटा ग्रेविटेशन। अगर बात करें ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी में हम बेटे कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स की बात जनरली नहीं करते हैं, हमारा एक ऑब्जेक्ट दोनों में हमारा अपना अर्थ होगा। आपका अर्थ है, अर्थ किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ किस फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये मेरे हाथ में एक चौक का पीस है, अगर मैं इस चौक के पीस को ड्रॉप करूं, ये अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, एक्सेलरेट हो जाता है, रादर एक्सेलरेट हो जाता है, कहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, इसको फिर से देखिएगा ध्यान से, जीरो वेलोसिटी इसकी इनिशियल, मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है, इनिशियली इट इज एट रेस्ट, तो ये इफ आई अलाउ इट टू फॉल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे जा रहा है, अगर मैं नहीं पकड़ूंगा तो ये अर्थ पे गिरेगा, और अगर अर्थ पे गिरेगा तो इसकी जो वेलोसिटी है जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, जीरो तो नहीं होगी ना बेटा। इसका मीनिंग बेटे ये हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो थी, लेकिन इन द एंड इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हुई। अगर नहीं जीरो है तो डायरेक्ट ये यही इंडिकेट कर देता है कि ये एक्सलरेट हो रहा है। राइट बेटा? एक्सलरेट होने का मतलब है कि अर्थ, कोई भी चीज एक्सलरेट कब होती है, जब उस पे फोर्स लगती है, बिना फोर्स के थोड़ी कोई एक्सलरेट होगा। ये चौक का पीस पड़ा है, इसको आप अगर कुछ भी नहीं करते तो पड़ा है तो पड़ा रहेगा,
अगर मैं इसको ऐसे मूव नहीं करवाता तो ये पड़ा है। अनलेस और अंटिल वी अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी चीज एक्सेलरेट नहीं कर सकती। आप लोगों ने ये न्यूटन सेकेंड लॉ में बड़ी डिटेल में पढ़ा था, आपने कहा था कि जब तक आप कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तब तक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में, ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन में कोई भी चेंज नोटिस हम नहीं करते, राइट जी। सो इसका मीनिंग ये हुआ कि चौक के पीस को आपका अर्थ जो है एक अट्रैक्टिव फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, इस पे एक अनबैलेंस फोर्स लग रही है अर्थ के सेंटर की तरफ, और वो जो बच्चों अनबैलेंस फोर्स है उसी की वजह से ये एक्सेलरेट हो रहा है। अब कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स में ना लेकर अगर हम बात करें अपने अर्थ की, अपने प्लेनेट की, या इसके साथ इन रिलेशन कोई भी और ऑब्जेक्ट ले लो, आप कह लीजिए कि अर्थ मून को भी अट्रैक्ट कर रहा है अपने सेंटर की तरफ। अर्थ मून को कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ इस चौक को कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है। आप लोग बेंचेस पे बैठे हैं, आप फर्स्ट डे स्कूल आए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, और मैं भी आपके सामने टीच कर रहा हूँ। हम सब पे अर्थ के सेंटर की तरफ एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा हुआ है, अगर वो ना लगा होता तो हम मे बी कि वी मे बी फ्लाइंग इन द एयर, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि हमें एक अट्रैक्टिव फोर्स ने अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, और हम अपनी अपनी जगह पर आराम से बैठे हैं या खड़े हैं जैसे भी हैं, राइट बेटे। सो इसका मीनिंग बेटे ये हुआ कि जब भी आप अर्थ के रिलेशन में किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करोगे, अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करके रखती है। कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करके रखेगी उसको हम बेटा ग्रेविटी के कंसेप्ट के साथ जोड़कर देख सकते हैं। सो अपने माइंड में क्लियर डिफ्रेंशिएट करके रखिएगा, यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट आप ले लें अगर, तो वो आपका ग्रेविटेशन का कंसेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। उन दो में से अगर एक अर्थ हो गया, अर्थ किसी चीज को कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रही है, तो दैट विल बिकम बेटा आपका ग्रेविटी बन जाएगा, और जिस एक्सेलरेशन के साथ वो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, दैट वी विल कॉल एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर से ध्यान दीजिएगा, चौक का पीस है, इसको ड्रॉ किया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल जीरो नहीं है, इसका मतलब है इसका मोशन एक्सेलरेटेड है। अगर मोशन एक्सेलरेटेड है तो जिस एक्सेलरेशन के साथ ही अर्थ के सेंटर की तरफ चला जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप बड़े ध्यान से देखिएगा, हमने फोर्स को एम इंटू ए के बराबर कहा हुआ है ऑलरेडी, न्यूटन सेकेंड लॉ से यही किया था ना हमने। एक मिनट बेटे ध्यान दीजिएगा, अब ये चौक का पीस आपका जब फ्रीली फॉल कर रहा है अर्थ की तरफ, तो इसमें एक्सेलरेशन ये स्मॉल जी के बराबर डिवेलप हो रहा है। स्मॉल जी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ बेटा, और स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होती है। तो जब भी हम अर्थ की अट्रैक्टिव फोर्स की बात करेंगे, इट विल बी इक्वल टू एम इंटू जी, इसके बराबर आ जाएगा बेटा। और अदरवाइज अगर हम ग्रेविटेशन की बात करेंगे बेटे, इसमें तो फोर्स इतना नहीं रहेगा, इसमें हमें अगर ये दो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, एक ये है एक ये है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स के बीच में जो सेपरेशन है ये स्मॉल आर के बराबर है, सेंटर्स के बीच में मैं कह रहा हूँ बेटा, फिर से ध्यान दीजिएगा। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हमने बेटे पिक किए हैं, एक ऑब्जेक्ट का मास एम वन है, दूसरे का मास एम टू है, और इन दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस आर के बराबर है। इनके बीच में एक बड़ी वीक अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करती है, और वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है इनके मासेस के प्रोडक्ट के ऊपर, दैट इज एम वन और एम टू का प्रोडक्ट कितना है। ये फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करती है इनके सेंटर्स के बीच में स्केयर ऑफ द डिस्टेंस कितना है इस बात पे भी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं दोनों फैक्टर्स को कंबाइन कर लूं तो मेरे पास बन जाएगा एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम वन मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाई द मास ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है जी।
हम इसको साइन को जब हटाया करते हैं तो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाया करते हैं ना बेटा, तो आई विल राइट दैट एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटी। अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, लिखवा देता हूँ बेटी, डोंट वरी। एम वन एम टू अपॉन आर का स्केयर बेटा, तो ये फोर्स आपका रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपका है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो बिफोर राइटिंग एनीथिंग बेटा, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी दो लाइंस लिख लीजिएगा बेटा ग्रेविटेशन के बारे में, पहले लिख लीजिएगा फिर हम आगे चलते हैं बेटा। द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन लिख लीजिएगा बेटे, द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन इज अप्लाइड टू एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स इट इज एक्सपेरिमेंटली सीन दैट that there exists a weak attractive force between any two objects in the universe. नहीं नहीं ऐसे नहीं, अर्थ और किसी और प्लेनेट के बीच में जो फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी दोनों के साथ रिलेट करके आपको बता रहा हूं मैं बेटा। ग्रेविटी बेटा ग्रेविटी द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी बेटा जो है It is applied in the case of a planet which is attracting, लिखवा रहा हूं बेटा, any object towards its center. For example, the force with which, an object is attracted towards the center of the earth is called force of gravity. Force of gravity. The acceleration produced, so produced in the object is called acceleration due to gravity. इसको बेटे जैसे हमने कहा था small g से हम denote करेंगे, right बेटे। अब बेटे मैं थोड़ा सा ना हमारा जो gravitation का concept है इसको और ज्यादा explain करने के लिए Newton's law of gravitation की help ले रहा हूं। आइए देखें बेटा Newton's law of gravitation क्या है बेटे, आराम से कर लीजिएगा कोई बात नहीं। रोल नंबर 11 कुछ कहना चाहता है या गलती से हैंड रेज हो गया है आई डोंट नो,
रोल नंबर 11, यू आर अनम्यूटेड। सर ग्रेविटेशन और ग्रेविटी का डिफरेंस एक बार रिपीट कर दो। बेटे ग्रेविटेशन एक ब्रॉड कंसेप्ट है जिसमें आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स किसी भी कॉर्नर ऑफ द यूनिवर्स में अरेंज करके उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स किस पैटर्न के साथ वेरी कर रही है स्टडी कर सकते हो। लेकिन जब आप बात करते हो ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी जो है इट इज द पुल ऑफ ए प्लैनेट, द प्लैनेट इज अट्रैक्टिंग द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, मे बी अवर अर्थ हो तो किस फोर्स के साथ वो अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज। हाँ जी सर, जो ग्रेविटेशन में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें प्लैनेट्स नहीं आते? आते हैं, बिल्कुल आते हैं। मैंने कहा कि कोई तो बेटे कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। ओके सर, बेटे ये रब कर दूं ये वाला पार्ट। ओके लिखिएगा बेटे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है बेटा ये किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स जो यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं उनके लिए एप्लीकेबल होगा। और कैसे हम डील कर पाएंगे, आइए कंसंट्रेट करें, डायग्राम मेरे साथ साथ आप लोग बना लेंगे बेटा। इमेजिन कर लो ये एक हमारा प्लेनेट है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैपिटल एम मैंने लिख दिया, और एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास मैंने स्मॉल एम लिख दिया। इनके दोनों के बच्चों सेंटर्स के बीच में जो सेपरेशन है ये डियर चिल्ड्रन स्मॉल आर के बराबर है। फिर से ध्यान दीजिएगा, एक थोड़ा ऑब्जेक्ट आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, एक छोटा लग रहा होगा, बड़े का मास बड़ा एम कह दिया, छोटे का मास छोटा एम कह दिया। नहीं आपका मन मानता तो एम वन एम टू कह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेटा, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of their masses to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers beta। तो बेटे ये जो चीज हमने लिखी है इसको हम थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेंगे, और कुछ खास नहीं इसमें। स्टेटमेंट में आपने लिखा है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करती है वो इनके मासेस के प्रोडक्ट पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो फोर्स है इनके बीच में इट इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एम, यही प्रोडक्ट हुआ मासेस का। क्या कहते हो बच्चों, ऐसी प्रोडक्ट लेते हो आप कि किसी और तरीके से करते हो? ऐसे ही होता है, फिर आप बोल नहीं रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। फिर
इनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस के स्क्वायर पर इनवर्सली डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे हो गया। अरे यही है। हाँ, अब थोड़ी अब लग रहा है कि बच्चे एक्टिवली बैठे हैं। वेरी नाइस। आप इसको और इसको दो अलग अलग रिलेशनशिप से इनको इकट्ठा कर लीजिए, एक जगह कंबाइन कर लीजिए। अरे इसका बड़े ऑब्जेक्ट का मास बड़ा एम, छोटे का छोटा एम। नहीं आपका मन मानता तो एम वन एम टू लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटे, जैसे आपका मन करता है कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। सो आपने इन दोनों को कंबाइन कर लिया ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप्स को, आपके पास बन गया जी m इंटू एम अपॉन आर का स्केयर कर ले। अब आप क्या करिए, ये वाला पार्ट हो गया तो मैं रब कर दूं, अभी रहता है, जल्दी से कर लीजिएगा, थोड़ा सुस्त पड़ गए हैं। लीजिए लीजिए, साइड पे हो गया मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बच्चा एक कुछ कहना चाहता है, रोल नंबर 34, यू आर अनम्यूटेड। सर f प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ओवर r स्क्वायर, एक बार स्टेप समझा दो कैसे आया। बेटे इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है इनके मासेस के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, बस और तो कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जितना बड़ा मास उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हाँ जी, ओ बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। इनको आपने कंबाइन कर लिया, एफ आपके पास बन गया जी एम इंटू एम अपॉन आर का स्क्वायर बन गया। कौन सी चीज पुत्र, बस इनको इकट्ठे किया है अभी, और ये दोबारा लिख दिया मैंने इधर, वन अपॉन आर स्क्वायर का मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर पर इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा। अगर सीधा डिपेंड करता तो आर के स्क्वायर को मैंने ऊपर लिखना था, अब नीचे लिखा है तो इसका मतलब है इनवर्स डिपेंडेंस है, उल्टा डिपेंड कर रहा है ना डिस्टेंस के स्क्वायर पे। तो आपने इनको दोनों फैक्टर्स को इकट्ठे कर लिया, कंबाइन कर लिया, ठीक है जी। आ रहा हूँ मैं उसी स्टेप पे आ रहा हूँ, आराम से स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आप चिंता मत करिए, घबराइए मत, एवरीथिंग विल बी मेड क्लियर टू यू। चलें आगे। अब नो कौन कह रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, फिर नो क्यों कह रहे हो आप, गुड़िया सीधे बैठना है। आपने जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, इसकी जगह पर एक बेटे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाया करता है, उसको हमने कैपिटल जी कह दिया। बाकी सारे फैक्टर्स आपके ऐसे ही रह गए हैं, और ये जो कैपिटल जी है बच्चों, कैपिटल जी जो है इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। आप ऐसे करिए, इसको पहले के लिख लो और यहां पे लिख लो के जी के बराबर है, इस चैप्टर में के की वैल्यू जी है, तो अगर जी होगा तो मुझे यहां पे जी, हाँ देख लो दो मिनट आपको क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करिए, मुझे थोड़ा बोलने दीजिए, ये बात अपनी कहने दीजिए, फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ, ठीक है बेटा। एक मिनट बेटे रुक जा यार, रुक जा, सुन तो सही। कैपिटल जी आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है एंड इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल
कॉन्स्टेंट, जैसे आप लोग कह रहे थे यहाँ पे के होता है, मैं आपकी बात के साथ बिल्कुल सहमत हूँ के ही होता है, लेकिन के को हमने यहाँ पे जी लिख दिया और जी हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट कहलाता है। इसकी वैल्यू बच्चों आपको याद रखनी पड़ेगी, जो कैपिटल जी है इसकी वैल्यू बेटा 6.67 10 रेस पर माइनस, हाँ जी यस 6.67 10 रेस पर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर के बराबर होता है, याद रखिएगा। अब ये कहां से आ गया इतना बड़ा फिगर, ये तो बड़ी समस्या हो गई है ना। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, आ रहा हूं इसी बात पे आ रहा हूं, आप थोड़ा सा फोकस करिएगा कि ये यूनिट्स कहां से बन गए, सर ने अपनी तरफ से तो नहीं लिख दिए है ना, देखना पड़ेगा। आइए इसको पकड़ते हैं रिलेशनशिप को जरा, फिर देखते हैं कि कहां से आया ये इसमें। ओ गुड़िया देखो तो सही, आप एक मिनट रुको तो सही, राइट साइड ये लेफ्ट साइड पे दोनों फिगर्स पड़ी हैं, है ना। ये मैं इसको दोबारा लिख देता हूं जी एम एम अपॉन आर स्केयर, कोई खराबी तो नहीं इसमें, इस आर स्केयर को इधर ले जाऊं, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर दें, आइए कर देते हैं, एफ आर स्केयर जी एम एम आ गया, कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपको कैसा लगा उल्टा करके लिखने पे, ठीक है कोई बात तो नहीं, उसको उधर लिख दिया उसको उधर लिख दिया, कोई बात तो है ही नहीं है, है ना। हाँ बोलो पुत्र बोलो, शाबाश, क्या कहना चाहते हो। हाँ इधर उधर ही कर रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं बेटे, आपका आपको आपका इन द एंड अच्छा स्कोर आ जाए, आपको अच्छे से समझ आ जाए, सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बन जाए, आप बड़ा हाई स्कोर करके अगली क्लास में चले जाएं, यही हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो एक मिनट यार इधर देख तो सही, ये दो चीजें देख रहे हैं आप, मासिस का प्रोडक्ट, इसको मैं राइट साइड पे ले जाऊं, कोई खराबी तो नहीं, जरा देखिएगा आप ऐसे लिखोगे, कोई राइट ऐसा ही है। अब जरा और ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने यूनिट्स सारी फिजिकल क्वांटिटीज के पढ़े हुए हैं, ये जी मैंने ऐसे लिखा, गुड़िया बताओ फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं एसआई सिस्टम में, स्टैंड अप, पक्का, हाँ जी न्यूटन, ओनली न्यूटन, बहुत बढ़िया न्यूटन ही होते हैं, ठीक है कॉन्फिडेंस भी रखा करो अपने आप पे। आर हमारा दो ऑब्जेक्ट से बीच में डिस्टेंस था, डिस्टेंस ही था गुड़िया, डिस्टेंस के क्या यूनिट्स होते हैं एसआई सिस्टम में, आप डिस्टेंस के यूनिट्स एसआई सिस्टम में मीटर, बहुत बढ़िया, तो मीटर की पावर 2 है, स्केयर कर दूं, ये मीटर का स्केयर हो गया आएगा। मास के क्या यूनिट्स होते हैं केजी, इसके मास के भी यूनिट किलोग्राम, दूसरा भी मास ही है, इसके भी किलोग्राम हो गए, किलोग्राम इनटू किलोग्राम क्या होता है, यस सो जी बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर 2 कर दे बेटा। दिस गर्ल ध्यान से देखिएगा, ये डिनोमिनेटर में पावर 2 है प्लस की,
अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो जी बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस टू। अब बताइए समझ लग गया सबको, कैपिटल जी की वैल्यू को दो, कैपिटल जी की वैल्यू को आपने अलोंग विद द यूनिट्स याद रखना है, हमें इसकी बार बार जरूरत पड़नी है न्यूमेरिकल्स में एंड अदरवाइज भी। हाँ जी, ये किलोग्राम का स्क्वायर डिनोमिनेटर में है ना, इसको हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया तो पावर जो प्लस टू थी माइनस टू हो गई। आप मेरी बात सुनो सिंपल सी, अरे बच्चों वन बाई एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर माइनस टू लिखते हो कि नहीं लिखते हो, तो ये वही है। ऑल राइट, क्लियर टू एवरीवन? केजी ही है, सी नहीं है। चले आगे। हाँ हाँ इतना ही है, कोई छोटी मोटी इसके साथ रिलेटेड बात तो कर लें। चलो इसको देख के आइएगा आज, ठीक है जी। थैंक यू ऑल। ये बच्चा कुछ कहना चाहता है, रोल नंबर 34, यू आर अनम्यूटेड। सर ये 6.67, सर ये जो आपने लिखा था सबसे पहले G is equal to 6.67, ये इसकी numerical value है बेटे, ये याद रखनी पड़ेगी आपको। 6.67 10 raised by minus 11 इसकी numerical value, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है बेटा। ओके सर, थैंक यू।